हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत सनाड्य, मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती युवा। आज हम बात करेंगे 40 पार जिनकी एज चली गई, वो भी सोचते हैं कि क्या हम अपना लक्ष्य पा पाएंगे। वो निराशा में डूबे हुए कि क्या हम अपने उस जो अपने सपने देखे थे कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, क्या हम कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे उनकी, तो मेरी उनकी आंखों एक ही है कि निराश मत होइए। ऐसे युवा है जो 25 साल से लेकर 35 साल तक खूब मेहनत करते, जी तोड़ मेहनत करते, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करते, लेकिन वो लक्ष्य को नहीं पा पाते। और एक टाइम ऐसा आता है कि घर परिवार और सारी मजबूरियाँ उनके ऊपर होती है और वो लक्ष्य को साइड में रख देते हैं और वो दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करने लगते हैं, अपने सपने को साइड में रख देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। आज उन युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को न भूलें। आप मेहनत करते रहिए, आप निराश हो गए, आपको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सपने को मरने ना दें। कहीं ना कहीं अपने अंदर उस सीने में उस सपने को जलता रहने दें, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। देरी रखे, आप ये मत सोचें मेरी उम्र हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे एक सुटेबल लाइफ चाहिए, एक व्यवस्थित लाइफ चाहिए। लोग बहुत सी तरह से सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको दो तीन ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे कि लोग उस उम्र में भी 50, 55 और 65 तक के उम्र में भी सफलता पाई और अपने लक्ष्य को पूरा किया है और उस मुकाम पर पहुंचे हैं जो मुकाम उन्होंने सोचा था। एक ब्रिटिश उपन्यासकार हुए थे लुई, उन्होंने कहा था कि हम इतने बूढ़े कभी नहीं होते कि हम अपने नए लक्ष्य ना बना सकें। हम इतने बूढ़े कभी नहीं होते कि हम अपने लक्ष्य के प्रति सपने ना देख सकें। तो दोस्तों यार, आप क्यों नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, नेशनल मंडेला नाम तो सुना होगा आपको, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, पहले अश्वेत राष्ट्रपति। 26 साल की उम्र में राजनीति में आए, कितने 26 साल की उम्र में। 27 साल तक जेल में रहे रंग बेदी नस्ल विरोधी के कारण, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरना नहीं दिया। जेल में भी संघर्ष करते रहिए, करते रहे, और उन्होंने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और 75 ईयर में दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दोस्तों उनकी उम्र कितनी थी उस वक्त, 75 ईयर, यू कैन इमेजिन इट। आप सोच सकते हो ये चीज, 75 ईयर की लोग तो सोचते हैं कि 60 की उम्र में तो लोग रिटायर होने की सोचते हैं, लेकिन ये आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है। यू कैन लर्न दिस, इनसे आप सीख सकते हैं। दूसरा, बमन ईरानी आप जानते हो अच्छी तरह से, 44 साल की उम्र में हीरो बने, उनकी आधी उम्र गुजर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपने को नहीं दबाया, उन्होंने अपने सपने के लिए मेहनत करते रहे। दोस्तों शेफ थे, वेटर थे, होटलों में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय निकालकर अपने सपनों को दिया, सुबह दिया, शाम को दिया, जब टाइम मिला तब अपने सपनों को समय दिया। और 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS, एक मेडिकल कॉलेज के डीन का रोल अदा किया, आपको पता है वो रोल कितना यादगार रोल रहा। फिर 2010 में आई 3 इडियट, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर का अवार्ड मिला। तो अपने सपने को अंदर से मरने मत दीजिए सर, अपने सपने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ी सी मेहनत करिए अपने सपने के लिए। आप अपना डेली रूटीन का काम करते रहिए, करते रहिए, आप कोई जॉब कर रहे करते रहिए, लेकिन उस जॉब से जब घर पे आओ तो घर 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने लक्ष्य के लिए निकालिए, सुबह निकालिए, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। और बताओ कर्नल सैंडर्स, जिस उम्र में लोग रिटायर्ड होते हैं, खूब मेहनत की, पूरी जिंदगी पर खूब मेहनत की, सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपने सपने के प्रति जागरूक रहे। कहीं ना कहीं उनको लगा था कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, वो अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे 65 ईयर की एज में। अपनी फेवरेट रेसिपी किचन फ्राइड को लॉन्च किया, और आपको पता है आज 120 देशों में उनको रेस्टोरेंट है KFC फूड्स के नाम से। तो दोस्तों आप क्यों नहीं करते, आप ये मत सोचो सर मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मैं आज 45 साल का हो गया हूँ, मैंने जिंदगी में खूब मेहनत की है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपना घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं,
मुझे अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाना है। आप कमाते बिल्कुल कोई बात नहीं, आप एक नौकरी ढूंढ लीजिए, अपने टाइम से टाइम 8 घंटे नौकरी करिए, 9 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, लेकिन 2 घंटे तो अपने सपने के लिए आप निकाल सकते हैं। 2 घंटे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रह सकते हैं। थोड़ा तो समय आपको अपने लक्ष्य के प्रति निकालना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अपने जॉब के अलावा अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा। जूलिया चाइल्ड 30 साल तक की उम्र में खाना बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया। 50 साल की उम्र में एक बुक लिखी, कुक बुक, और वो बेस्ट सेलर बनी और आज बेस्ट शेफ है, बेस्ट ऑथर है। तो दोस्तों उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस मेहनत करते रहिए, बस लगन से बढ़ते रहिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ थॉमस एडिसन, खाने तक के पैसे नहीं थे, बहुत संघर्षों में जीवन निकला, 13 भाई बहन थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। रात की जॉब को दिन में किया, 8 घंटे के जॉब दोस्तों 4 घंटे में करते थे, बाकी का समय अपने प्रोजेक्ट में लगाते थे, और अपने सपने को पूरा किया और बल्ब का आविष्कार हुआ। 1000 बार असफल हुए दोस्तों, वो 1000 बार जीवन में, अगर वो असफल, आप कितनी बार असफल हुएंगे, 1, 2, 3, 4, वो 1000 बार। उन्होंने कहा था जितनी बार मैं असफल हो रहा हूं, जितनी बार मैं सीख रहा हूं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते दोस्तों, आप भी तो सीख सकते हैं ना। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, असफलता से तो सीखना आता है।